लड़कियां ठंडा करती थी, उन्होंने उन बंदों ने हवेलियों में, बर्फ खानों में और जो तय खाने वहाँ पे थिएटर की परमिशन लेके वहाँ पे, मतलब सिर्फ फर्क इतना है कि बाहर थिएटर लिख दिया गया है, काम अंदर वो धंधे का ही हो रहा है। इसमें 80% प्रोड्यूसर्स भी इन्वॉल्व है। नई लड़की मेरे पास है, करोला पे गुजरी है, मान साहब मेरे पास खड़े हुए थे, तो मैंने कहा मान साहब मेरे को अजे तक मेहरान है, कुड़ी करोला से लंघन रही है। वो कहते पुत्र जमीन ले तू लेनी है ना, हम आप इस्तेमाल प्रोड्यूसरों के लिए नहीं होंगे, हम ड्रामे की बेहतरी के लिए इस्लाहत करेंगे, हम इस माफिया के खिलाफ खड़े होंगे। और गवर्नमेंट पंजाब ने लाहौर के तमाम थिएटर्स को बंद किया, उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ आज अमानत चंद साहब, हमारे सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट और जितने भी सीनियर एक्टर हैं मौजूद हैं, कि हम भी यही चाहते हैं कि जो थिएटर में वायलेशन करे, जो लड़की थिएटर पे फाहश डांस करे, उसे एक साल के लिए नहीं, छः माह के लिए नहीं, उसे ताहयात थिएटर पे पाबंदी लगानी चाहिए। असल में थिएटर का जो बेड़ा गर्क जो है वो मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ, जब मतलब उन्होंने एक कानून पास किया कि इस मुल्क में कुछ भी कर सकता है कोई भी, आपको पता है उस कानून का। उसके बाद मतलब आपको ये भी पता है कि मतलब डांस होने शुरू हो गया, ड्रामे ख़त्म हो गए, डांस नाइटें शुरू हो गई। ये असल तो थिएटर का बिगाड़ वहाँ से शुरू हुआ है। और ये जो एक ख़ास तबका है, मैं वो लफ्ज़ मीडिया पे नहीं कहना चाहता जो मेरे दिल में है या मेरी ज़ुबान पे है, ये ख़ास लोग जो हैं जो थिएटर की बदनामी का सबब बनते हैं, इन्हें और आर्टिस्टों को अलग अलग कर दिया जाए। ये उसी तरह के लोग हैं जिस तरह से मंशियात फरोश होते हैं, जिस तरह से कब्जा माफिया है, जिस तरह से दहशत गर्द है, इसी तरह ये एक सिस्टम है थिएटर में, इन्हें अलहदा कर देना चाहिए। ये इस नासूर को थिएटर से बाहर निकालना चाहिए जिन्होंने आज थिएटर का ये हाल किया। इसमें 80% प्रोड्यूसर्स भी इन्वॉल्व है इस मामलात में। ये जो मामलात चल रहे हैं आज, आप पूरे पंजाब में देखें, छः सात सात लड़कियाँ एक प्रोड्यूसर में, जिस तरह भट्टा माफिया है ना, ईंटों वाले भट्टे पे छः सात सात मजदूर बॉन्ड किए हुए हैं। वहाँ पे आप देखें खानेवाल, साईवाल, मुल्तान, मैं एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ कि जो लड़कियाँ ठंडा करती थी, उन्होंने उन बंदों ने हवेलियों में, बर्फ खानों में और जो तय खाने वहाँ पे थिएटर की परमिशन लेके वहाँ पे, मतलब सिर्फ फ़र्क इतना है कि बाहर थिएटर लिख दिया गया है, काम अंदर वो धंधे का ही हो रहा है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट पंजाब ने, माजरत भी कर रहे हैं फांसी पे, और जिनकी वजह से हम माजरत नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से मकसद वही है, जिनकी वजह से थिएटर बंद हुए हैं, सीन हुए हैं पूरे पंजाब के थिएटर, उनकी तरफ से एक सॉरी का वीडियो मैसेज भी नहीं अभी तक आया। देखिए ना तो हम माजरत कर रहे हैं, माजरत वो करते हैं जो गुनाहगार होते हैं, जो माजरत जो सजा पाएगा वो माजरत का हकदार होगा, जो उसे माफी मिलेगी। बात रहेगी इन नई लड़कियों की, वो आज मैं बात जरूर करूंगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। कुछ थिएटर्स में कुछ गुंडे, बदमाश, अनासर भी मुलव्वस हैं, जिनकी वजह से ये आने वाली लड़कियां 8 दिन में प्रोड्यूसर के ये यहाँ पे नाखून रखवा के ना 2-2 लाख पेमेंट लेती हैं। और कुछ सवाल उनसे अगर कोई बनवाना चाहते हैं बात करवा दें। मैं एक मरतबा इससे 10-15 साल पहले की बात थी, मैं महफल थिएटर खड़ा था, एक नई लड़की मेरे पास है, करोला पे गुजरी है, मान साहब मेरे पास खड़े हुए थे, तो मैंने कहा मान साहब मेरे को अजे तक मेहरान है, कुड़ी करोला से लंघन रही है। वो कहते पुत्र जमीन लेइए तू लेनी, बार बार माफिया का नाम ले रहा हूँ। माफिया कौन सा है? माफिया आपको भी पता ना, आप ब्रेक कर दिया करें। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ ये प्रोड्यूसर माफिया। आप ये चेक कर लीजिएगा, जिस प्रोड्यूसर ने मतलब मेहरान के बाद करोला आ जानी वो तो कोई बात नहीं, अगर एक मोटरसाइकिल के बाद प्राडो आ जानी वो माफिया का सबूत है। क्यों भी आई है ना? कोई ऐसी बात नहीं, प्रोड्यूसर माफिया एक पूरा ये नेटवर्क चलता रहा, 35 साल से काम कर रहा है, इन्होंने हमेशा आर्टिस्टों को इस्तेमाल किया है, अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे, बात खत्म। हम अब इस्तेमाल प्रोड्यूसरों के लिए नहीं होंगे, हम ड्रामे की बेहतरी के लिए इस्लाहत करेंगे,
हम इस माफिया के खिलाफ खड़े होंगे, और जो इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा वो हम उसका जो है वो एहतजाब हम खुद करेंगे।